शिवराज सरकार और भी सख्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की। प्रदेश में कई लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, इसलिए सरकार ने मिलावटखोरों पर 3 वर्षों की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है। अभी जो हमारा स्वास्थ्य संगठन है उसने भी स्पष्ट कहा है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में भी प्लाज्मा के 2-3 केस आए, लोगों की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो 3 साल की सजा का प्रावधान था उसे आजीवन कारावास में अब हम बदलने जा रहे हैं। इसी तरह से जो दवाएं एक्सपायर हो जाती थी, जिनका समय सीमा अवसान हो जाती थी, वो सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, दवा एक्सपायरी डेट के अगर कोई बेचता है तो उसकी भी सजा का 5 साल का प्रावधान करने का आज विधि विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। चले बुटन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।